हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम सीडीएस इंग्लिश स्पेशल 100 गोल्डन एरर्स के पार्ट टू लेके आए हैं। तो पार्ट वन हमने कल कंप्लीट कर दिया था, आपको अच्छा लगा, आपने कमेंट्स भी किए, तो आज हम पार्ट टू पे डिस्कशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश के सारे रूल्स जो हैं गोल्डन एरर्स के, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो आप इन वीडियोज की सीरीज को अच्छे से देखते रहिए और इसी के साथ आपकी सीरीज की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है 13th जो इनकोरेक्ट है। इसमें आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, तो इसमें क्या इनकोरेक्शन है तो आप हमें बता सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या एरर हो सकता है। तो आई हर्ड हिम, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। टू स्पीक, ये टू के साथ, जब भी टू के साथ वर्ब फर्स्ट लगी हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो टू के साथ वर्ब फर्स्ट लगी है, ये इन्फिनिटिव यहां पे लगाया गया है। ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पे टू स्पीक जो इन्फिनिटिव है वो सही है या गलत है। तो इसका आंसर है आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो पढ़ते हैं अभी रूल क्या है। आफ्टर लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक एक्सेट्रा, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके साथ लगेगा बेर इन्फिनिटिव एंड नॉट टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव इनके साथ नहीं लगेगा, इनके साथ कौन सा लगेगा, बेर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव होता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बेर इन्फिनिटिव क्या होता है कि जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और आपने देखना है कि ये जो इन्फिनिटिव लगे होंगे ना, चाहे ये टू इन्फिनिटिव होगा चाहे ये बेर इन्फिनिटिव होगा, ये हमेशा मेन वर्ब की जगह पे नहीं लगे होंगे। ये कहाँ लगे होंगे, हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब जो भी है आपकी, वर्ब फर्स्ट सेकंड और उसके साथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ कनेक्ट करने के लिए ये लगाया होगा। जैसे यहाँ पे टू स्पीक लगा दिया, लेकिन अगर हर्ड हो तो हम बेर इन्फिनिटिव जो है, जो स्पीक के साथ बेर इन्फिनिटिव जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्पीक, ओनली स्पीक लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, बेर इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये स्पीक है तो इसके साथ हम बेर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। और बाकी जो है लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, इन सबके साथ भी बेर इन्फिनिटिव ही लगेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है इनकोरेक्ट, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, देखते हैं इसकी करेक्शन। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, अब इसमें क्या है कि इसमें भी बेर इन्फिनिटिव का यूज होगा, बेर इन्फिनिटिव जिसमें टू ना लगा हो। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, अब यहाँ पे करेक्शन क्या होनी थी कि टू नहीं आना था, क्योंकि जो भी ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं, मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरीज है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, बेर इन्फिनिटिव, जो कि टू के बिना लगाया जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड बेटर टू गो नाउ। तो अभी देखते हैं, जब भी हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सून एज, हैड सूनर, मतलब हैड के साथ कुछ भी लगा हो और उसके साथ इन्होंने कौन सा यूज किया हो, टू इन्फिनिटिव, तो वो कभी भी नहीं लगेगा। हैड रेदर, हैड बेटर, हैड सून एज, हैड सूनर, तो इनके साथ हमेशा बेर इन्फिनिटिव लगेगा। सो द जो करेक्ट हमारा आंसर है वो क्या है, ही हैड बेटर गो नाउ। तो इन सब के साथ क्या लगेगा, टू नहीं लगेगा, ही हैड बेटर गो नाउ। तो बेर इन्फिनिटिव हमने देखा कि कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो ये जो वर्ड्स हैं लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, उसके बाद जब भी कोई मॉडल होगा, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, इनके साथ बेर इन्फिनिटिव लगेगा। नेक्स्ट हैड बेटर,
had rather, had as soon as, had sooner, तो इनके साथ भी क्या लगेगा, bare infinitive. Next sentence हम देखते हैं, he had better read than to write. तो इसमें क्या है कि he had better read than to write. एक तो had better लगा है तो bare infinitive आएगा. Okay. और इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, कंजंक्शन जो है than is always followed by bare infinitive. तो जो कंजंक्शन है आपकी had, जो कंजंक्शन है आपकी than, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, bare infinitive. तो यहाँ पे to जो है वो नहीं आएगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, he had better read than write. तो than के आगे कभी भी जो है to infinitive नहीं लगेगा, हमेशा बेर इन्फिनिटिव जो है वही यूज होगा. तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि अगर मैं टू इन्फिनिटिव की बात कर रही हूं तो इट मीन्स कि टू के साथ क्या लगा है, प्लस वर्ब फर्स्ट लगी है. और अगर मैं, ये है टू इन्फिनिटिव, और अगर मैं बोल रही हूं बेर इन्फिनिटिव तो उसका मतलब है कि सिर्फ वर्ब फर्स्ट, वहां टू नहीं लगा होगा बेर इन्फिनिटिव. तो ये आपको फिर से मैंने बता दिया. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा वो है ही डिड नथिंग बट टू वंडर. तो इसमें क्या है, इसमें फिर से व्हेन बट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, जब भी बट का हम एज ए प्रेपोजिशन यूज करेंगे एंड उससे पहले प्रिसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ वर्ब डू, मतलब डू की कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, डू भी लगा हो सकता है, डेड भी और डन भी, देन बट इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेर इन्फिनिटिव. तब बट के साथ क्या लगेगा, बेर इन्फिनिटिव, मतलब टू का यूज नहीं होगा. तो इसका करेक्ट फॉर्म हम देखते हैं, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर. तो इसका आंसर क्या आ गया कि ही डिड नथिंग बट वॉन्डर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू नहीं लगेगा, क्योंकि बट के साथ टू इन्फिनिटिव नहीं लगता. कौन सा लगता है, बेर इन्फिनिटिव, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस. नेक्स्ट है बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. ओके, तो इसमें क्या मिस्टेक है देखते हैं. बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. तो अब विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव लगा है, पर ये सही लगा है, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव ही आएगा. तो देखते हैं बीइंग के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. इसका रूल क्या है कि एवरी पार्टिसिपेंट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस. तो कोई भी पार्टिसिपल है, जैसे बीइंग है, तो इसके साथ एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. तो बीइंग जब भी किसी भी सेंटेंस के फ्रंट पे आएगा, फर्स्ट उसमें आएगा, तो हमें उसके साथ कोई सब्जेक्ट देना होगा. तो हम कौन सा सब्जेक्ट देंगे, इट. तो हमारा करेक्ट क्या है, इट. It being a rainy day, Vijay decided to stay at home. तो चलिए next देखते हैं हम. Next हमारा है, after the leader having been killed, the followers ran away. तो देखिए इसमें क्या correction अब चाहिए. For completed action having plus verb की third form. थर्ड फॉर्म आएगी, इज यूज इन द एक्टिव वॉइस, वेयर इज हैविंग बीन वर्ब थर्ड, और बीन प्लस वर्ब थर्ड इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंस. तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, आफ्टर. अब देखिए अगर हम इन वर्ड्स की हिंदी बनाएं, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, लीडर के मरने के बाद द फॉलोअर्स रन अवे, वो भाग गए. तो जो यहाँ पे इस सेंटेंस में हैविंग बीन है ना, तो उसने क्या किया, आफ्टर का काम ऑलरेडी कर दिया. कि मतलब अगर हम आफ्टर लगाएंगे तब भी वही मीनिंग है,
हैविंग बीन हमने लगा दिया तो इसका मतलब भी यही है कि पहले ये एक्शन हुआ और उसके बाद वो भाग गए। द लीडर हैविंग बीन किल्ड, जो हमारा एक्शन हो गया पहले, हैविंग बीन हमें बताता है कि ये हमारा चीज हो गई और उसके बाद वो भाग गए। तो इसलिए इसका करेक्ट क्या होगा कि हमें यहाँ पे आफ्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, कि जैसे ही वो मर गया तो फॉलोअर्स भाग गए। तो हैविंग बीन ने आफ्टर का काम ऑलरेडी कर दिया। तो आफ्टर और हैविंग बीन या हैविंग बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये हमने यूज नहीं करना इकट्ठे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है देखते हैं। पार्टिसिपल लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडलिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सेट्रा डोंट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या था कि जो बीइंग था ऊपर वाले सेंटेंसेस में, जो बीइंग था उसके साथ हमें एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए था तो हमने इट लगाया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जैसे कि कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडलिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सेट्रा, तो इनके साथ कभी भी हमने सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं लगाना, इनके पहले हमने इट नहीं लगाना। ओके, तो ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आएंगे तो इनको हम अकेले ही लिख सकते हैं। बीइंग भी आईएनजी वाला था, कंसिडरिंग भी आईएनजी वाला था, लेकिन बीइंग के साथ हमें सब्जेक्ट चाहिए और इनके साथ हमें कोई भी सब्जेक्ट लगाने की आगे जरूरत नहीं है, हमें कोई इट लगाने की जरूरत नहीं है। Here I is not a subject of reference of considering, so there is no subject of reference for considering, still the sentence is correct. तो यहाँ पे जो I का है, I ने थोड़ी ना consider किया, तो considering the case, तो I जो है इसमें subject of reference नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी जो है subject of reference लगाने की जरूरत नहीं है। Next जो है हम error देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है थ्री किल्ड एंड वन वर इंजर्ड, तो तीन तो मर गए और एक जो है वो घायल हो गया। तो इसमें क्या एरर हो सकता है अब देखिए। अब व्हेन देयर आर सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस एंड दे आर नॉट द सेम इन नंबर, देन वी जस्ट हैव टू यूज सेपरेट ऑक्सिलरी फॉर बोथ द सेंटेंस। अब देखिए इसमें नंबर क्या, पर्सन एक जगह तीन मरे हैं और एक साइड एक घायल हुआ है, तो नंबर जो है दोनों सेम नहीं है, दोनों तीन तीन नहीं है, मतलब ये क्या है एक तरह से प्लूरल और ये है एक तरह से सिंगुलर। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। थ्री वर किल्ड एंड वन वॉज इंजर्ड, इन्होंने क्या किया था, थ्री किल्ड एंड वन वर इंजर्ड, मतलब ये तो सिंगुलर को हमने कंसिडर ही नहीं किया, इसके साथ तो वॉज लगना चाहिए था और थ्री के साथ लगना था वर, चाहे एंड भी है लेकिन इंडिविजुअल तो आपस में अलग अलग है ना, कि थ्री वर किल्ड एंड वन वर वॉज इंजर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होना था कि अगर जो है नंबर जो है जो हमारे सेम ना हो तो हर एक जो भी नंबर होगा उसके साथ उसका अलग अलग जो है ऑक्सिलरी लगेगा, इज एम आर वॉज वर हैज हैव, तो जो उसके साथ सूटेबल होगा वही उसके साथ लगेगा। चलिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। अगर ऐसा होता कि थ्री किल्ड एंड टू वर इंजर्ड तो उस केस में लग सकता था, क्योंकि दोनों जो है नंबर प्लूरल है और दोनों के साथ वर ही लगना है, तो अगर एक सिंगुलर है प्लूरल है तो उनके साथ हमें अलग अलग लगाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I am 17 years old and my sister 14. अब इसमें क्या incorrect है, इसमें क्या incorrect है, तो इसमें देखते हैं I am 17 years old, तो ये तो हो गया कि मैं 17 साल का हूँ and my sister 14, तो इन्होंने दोनों जगह ना am को ही consider कर दिया, I के साथ am लगा है helping verb और my sister जो है वो she है,
ठीक है, उसके साथ यहाँ उन्होंने एक ही जो है दोनों के लिए यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे आई के साथ एम फिक्स्ड है, माई सिस्टर के साथ इज लगेगा फिर, तो वो उन्होंने नहीं लिखा है। अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ। अगर यहाँ पे भी शी होता, शी इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14, तो दोनों के लिए इजी लगना था, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आई है, तो आई के साथ एम लगेगा, माई सिस्टर के साथ इज लगेगा, तो दोनों के साथ जो ऑक्सिलरीज लगेंगे वो अलग अलग लगेंगे, इसलिए हमें इसको कंफ्यूज नहीं कर होना है, और दोनों के साथ अलग अलग ऑक्सिलरी जो है, यहाँ पे इज लगा दिया माई सिस्टर के साथ सुटेबल था, और यहाँ पे एम लगा दिया क्योंकि आई के साथ लगना था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है ही सक्सीडेड, नो दिस इज नॉट, नेक्स्ट है इसमें, यस नेक्स्ट सेंटेंस है ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो इसमें क्या है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। अब देखो ये है सब्जेक्ट, ये है हैज हेल्पिंग वर्ब एंड नेवर विल, दो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट और फ्यूचर, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब ये टेक लगा है यहाँ पे, हैज के साथ हमेशा कौन सा वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे इन्होंने हैज के साथ भी यही इसी को मान लिया, और विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, विल शैल के साथ, तो विल के साथ इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लेकिन हैज के साथ तो कभी ये नहीं लगता, हैज के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि अगर कुछ ऐसे ऑक्सिलरीज हो जिनके साथ अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी हो तो उनके साथ हमें अलग अलग ही लगानी पड़ेगी। ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो यहाँ पे हैज के साथ थर्ड लगनी थी तो उन्होंने थर्ड लगा दी, और यहाँ विल के साथ फर्स्ट लगनी थी उन्होंने फर्स्ट लगा दी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें अगर दो ऑक्सिलरीज हैं तो उनके लिए दोनों के साथ हमें जो जो सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वही लगानी होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 फेल्ड, कि 10 कैंडिडेट जो है वो पास हो गए और 1 फेल्ड। अब इसमें भी क्या है कि 10 है एक साइड प्लूरल है और एक साइड 1 है जो कि सिंगुलर है। अब 10 कैंडिडेट्स के साथ तो हैव ही आना था, क्योंकि प्लूरल के साथ एक से ज्यादा हो तो हैव लगता है और एक के साथ हैज लगता है। अब फिर से ऑक्सिलरी दोनों का सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज फेल्ड। दोनों के साथ हमें अलग अलग जो है ऑक्सिलरी वो यूज करना होगा। नेक्स्ट 25th देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। ही सब्जेक्ट है, सक्सीडेड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में है सेंटेंस, और उसके बाद बिकॉज कंजंक्शन लगी है, ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि जो सेंटेंस है उसकी सेंस क्या है पास्ट में, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो सेंटेंस की सेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट में। अब एक ही चीज हम प्रेजेंट, मतलब एक चीज हम बोल रहे हैं कि वो पढ़ता तो वो पास हो जाता, तो दोनों ही चीजें हमने पास्ट में बोली होंगी, ऐसा तो नहीं है कि एक पास्ट में बोल दिया एक प्रेजेंट में बोल दिया। और पास्ट के लिए ये बिल्कुल ही बहुत इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग पास्ट में है तो हमें पूरे सेंटेंस को पास्ट में ही लिखना होता है। जैसे ही सक्सेडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, तो ये गलत है। करेक्ट इसका आंसर क्या था, ही सक्सेडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो अगर आगे वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो हमें
नेक्स्ट जो उसके साथ कंजंक्शन के बाद सेंटेंस को जोड़ना है तो वो भी किस में होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लगी है तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय द पास्ट टेंस इन सब कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो भी पास्ट टेंस के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश का कि जब भी ऐसा हो कि मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में हो तो हमें अगली क्लॉज को भी पास्ट में ही लिखना होता है, इनको हम नहीं कर सकते। वो कुछ फ्यूचर और प्रेजेंट के केस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पास्ट के लिए हर चीज में हमें पास्ट में ही लेकर चलनी होती है। सो इसी के साथ आज का आपका सेशन जो है पार्ट टू जो है वो खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे और आप इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से देखते रहिए ताकि आपको जो है प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और थैंक यू सो मच।